बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु टू ऑल ऑफ यू। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडीइंग द यूनिट नंबर 12, दैट इज द चाइनीज न्यू ईयर। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, आई एम गोइंग टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू अबाउट द प्रीवियस लेक्चर व्हिच वी हैव लर्नड ऑन द अदर डे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द डेट फिक्स्ड फॉर द चाइनीज न्यू ईयर, कि चीनियों के नए साल के लिए तारीख कैसे मुतय्यन की जाती है, फिक्स की जाती है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? इट्स आंसर विल बी दैट द चाइनीज न्यू ईयर इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल चाइनीज लूनीसोलर कैलेंडर। चीनियों के नए साल की बुनियाद चीनियों के कमरी और शमसी कैलेंडर की रिवायत पर होती है। अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर, शमसी कैलेंडर के मुताबिक द चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स ऑन अ डिफरेंट डेट ईच ईयर। चीनियों का नया साल हर दफ़ा या हर साल मुख्तलिफ तारीखों में पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू चाइनीज यूज़ रेड कलर एंड फायर वर्कस ऑन न्यू ईयर, कि चीनी नए साल में सुर्ख रंग और आतिशबाजी क्यों करते हैं। सो वट वॉज द रीज़न? बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में यह कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि वो क्यों ऐसा किया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? The Chinese use red colors and fireworks on New Year to scare away the neon. Neon को भगाने के लिए, खौफज़दा करने के लिए वो क्या करते थे? सुर्ख रंग और आतिशबाजी का इस्तेमाल करते थे। Because neon was afraid of red colors. क्योंकि neon सुर्ख रंग से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता था। So basically that is the main reason why they use red color and fireworks on the New Year. So basically students, ये दो questions आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए या आपने ज़ुबानी भी याद करने हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सरसाइज में ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। सो नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 112। टेक अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड सो दैट यू विल हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर इंग्लिश मीनिंग्स एंड उर्दू मीनिंग्स ऑन योर बुक्स यू विल हैव टू राइट एंड ऑन योर नीट कॉपीज टू। So, first of all, open your books from page number 112. Take a pen or pencil in your hand. And then, starting from that point, these activities symbolize new life and new beginnings. Underline the word activities. Activities. The English meaning of the word activities is actions. Yani ke sargarmiyan. Next word is symbolize. The English meaning of the word symbolize is represent. Represent यानी के नुमाइंदा। Next word is beginnings. Beginnings, the English meaning of the word beginnings is start यानी के आगाज। So these activities symbolize new life and new beginnings. ये सरगर्मियाँ नई जिंदगी और नए आगाज की नुमाइंदगी करती हैं। What will be the idiomatic ट्रांसलेशन ऑफ दैट होल सेंटेंस? इट विल बी के ये सरगर्मियाँ नई जिंदगी और नए आगाज की नुमाइंदगी करती हैं। होम्स आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड पेपर डेकोरेशंस स्टेटिंग विशेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून, वेल्थ एंड लॉन्गेविटी फॉर द कमिंग ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरलाइनिंग द डिफिकल्ट वर्ड, यू विल हैव टू अंडरलाइन द वर्ड डेकोरेटेड। Decorated, the English meaning of the word decorated is adorn. Adorn यानी के सजाया। Next word is paper decorations यानी के कागजी सजावट। Next word is stating. Stating means बयान करना। Next word is prosperity. Prosperity means success. Success यानी के खुशहाली। After that good luck यानी के खुशकिस्मती हो गया। एंड लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मीन्स लॉन्ग लाइफ यानी के तवील उम्री। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स ट्रांसलेशन, होम्स आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, घरों को फूलों से सजाया जाता है। एंड पेपर डेकोरेशंस और कागजी सजावट से, घरों को या मकानों को फूलों और कागजी सजावट से सजाया जाता है। स्टेटिंग विशेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसमें खुशहाली, खुशकिस्मती, खुशी, अच्छी किस्मत, दौलत और आने वाले साल में तवील उम्री को बयान किया जाता है। डेकोरेशंस ऑफ द इनकमिंग ज़ोडियक एनिमल आर आल्सो डिस्प्लेड।
डेकोरेशंस का मतलब हो जाएगा सजाना, इनकमिंग आने वाला, जाडियक एनिमल ये हमने प्रीवियस में पढ़ा था, रास चक्कर जानवर, ठीक है, और आल्सो डिस्प्लेड, उसको भी नुमाइश किया जाता है या उसको भी दिखाया जाता है। सो डेकोरेशंस ऑफ द इनकमिंग जाडियक एनिमल आर आल्सो डिस्प्लेड, आने वाले रास चक्कर के जानवर की सजावट भी दिखाई जाती है। रेड एंड गोल्ड आर वेरी पॉपुलर कलर्स टू डेकोरेट विद, रेड सुर्ख एंड गोल्ड और सुनहरी आर वेरी पॉपुलर, अंडरलाइन द वर्ड पॉपुलर, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज वेल लाइक्ड, वेल लाइक्ड यानी के हर दिल अजीज। सो रेड एंड गोल्ड आर वेरी पॉपुलर कलर्स टू डेकोरेट विद, सुर्ख और सुनहरी रंग सजाने के लिए हर दिल अजीज होते हैं, सुर्ख और सुनहरी रंग सजाने के लिए हर दिल अजीज होते हैं। रेड रिप्रेजेंट्स पावर, हैप्पीनेस, वाइटलिटी एंड स्केयर्स अवे बीस्ट्स, अंडरलाइन द वर्ड वाइटलिटी, वाइटलिटी, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइटलिटी इज एनर्जी, एनर्जी यानी कि कुव्वत खयात। सो रेड रिप्रेजेंट्स, सुर्ख रंग नुमाइंदगी करता है, जाहिर करता है पावर ताकत को, हैप्पीनेस खुशी को, वाइटलिटी कुव्वत हयात को, एंड स्केयर्स अवे और भगाता है बीस्ट्स वाइल्ड एनिमल, ठीक है, बीस्ट्स द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड बीस्ट विल बी वाइल्ड एनिमल यानी के दरिंदा या जंगली दरिंदा, एंड स्केयर्स अवे बीस्ट्स और जंगली दरिंदे को भगाता है या खौफजदा करता है। सो बा मुहावरा तर्जुमा हो जाएगा, रेड रिप्रेजेंट्स पावर, हैप्पीनेस, वाइटलिटी एंड स्केयर्स अवे बीस्ट्स, सुर्ख रंग ताकत, खुशी, कुव्वत हयात को, कुव्वत हयात की नुमाइंदगी करता है, एंड स्केयर्स अवे बीस्ट्स और जंगली दरिंदे को भगाता है या खौफजदा करता है। गोल्ड रिप्रेजेंट्स वेल्थ एंड गुड फॉर्च्यून, गोल्ड रिप्रेजेंट्स सुनहरी रंग नुमाइंदगी करता है या जाहिर करता है वेल्थ दौलत को, एंड गुड फॉर्च्यून और अच्छी किस्मत को, सुर्ख रंग दौलत और अच्छी किस्मत की नुमाइंदगी करता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एक्सचेंज का मतलब होगा तबादला करना, ठीक है, एक्सचेंज मीन तबादला, तबादला करना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशन, अंडरलाइन द वर्ड ट्रेडिशन, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन इज कस्टम यानी कि रिवायत। वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर इज एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, चीनियों के सालनों की एक बहुत अहम रिवायत तहाइफ का तबादला है, चीनियों के सालनों की एक बहुत अहम रिवायत तहाइफ का तबादला है। अ ट्रेडिशनल गिफ्ट्स, अ ट्रेडिशनल गिफ्ट एक रिवायती तोहफा, दैट इज गिवन इन स्मॉल एनवेलप्स फिल्ड विद लकी मनी, एनवेलप्स मीन लिफाफा, एंड लकी मनी से मुराद खुशकिस्मत पैसे या पैसे, ठीक है। सो अ ट्रेडिशनल गिफ्ट एक रवायती तोहफा, दैट इज गिवन इन स्मॉल, दैट इज गिवन जो दिया जाता है, स्मॉल रेड एनवेलप्स छोटे सुर्ख लिफाफे होते हैं फिल्ड विद लकी मनी जिसे पैसों से भरा जाता है, यानी कि जिस तरह ईदी के मौके पर हमें ईदी दी जाती है लेकिन वो लिफाफों में लपेट कर नहीं दी जाती, लेकिन चीनियों का जो सालना होता है तो उसमें बड़े या वालदेन या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं रिलेटिव्स वगैरह वो छोटे बच्चों को क्या करते हैं छोटे सुर्ख लिफाफों में पैसे डाल के उन्हें देते हैं। तो यही बात यहाँ पर बयान कर रहा है कि एक रिवायती तोहफा जो कि छोटे सुर्ख लिफाफों में दिया जाता है उसे पैसों से भर दिया जाता है। दीज एनवेलप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन बाय देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दीज एनवेलप्स इन लिफाफों को आर गिवन टू द चिल्ड्रन बच्चों को दिया जाता है बाय देयर फैमिली उनके खानदान वालों की तरफ से एंड फ्रेंड्स और दोस्तों की तरफ से, दीज एनवेलप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन बाय देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन लिफाफों को बच्चों को खानदान वालों और दोस्तों की तरफ से दिया जाता है। द रेड कलर इज यूज टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून एंड द मनी इन साइड इज यूज बाय द चिल्ड्रन टू बाय हॉलीडे ट्रीट्स, द रेड कलर इज यूज टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, सुर्ख रंग अच्छी किस्मत लाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड द मनी इन साइड इज और इसके अंदर की रकम इज यूज बाय द चिल्ड्रन बच्चे इस्तेमाल करते हैं टू बाय हॉलीडे ट्रीट्स छुट्टियों में खाने की चीज़ों को खरीदने के लिए। बा मुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा, द रेड कलर इज यूज टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, सुर्ख रंग अच्छी किस्मत लाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड द मनी इन साइड इज यूज बाय द चिल्ड्रन टू बाय हॉलीडे ट्रीट्स और इसके अंदर मौजूद रकम बच्चे छुट्टियों में खाने की चीजें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज एनवेलप्स सिंबलाइज द गिविंग ऑफ गुड फॉर्च्यून, अंडरलाइन द वर्ड सिंबलाइज,
The English meaning of the word symbolize is represent. Symbolize, represent, यानी के इलामत. These envelopes, ये लिफाफे symbolize, नुमाइंदगी करते हैं या इलामत हैं. The giving of good fortune, अच्छी किस्मत देने के. ये लिफाफे अच्छी किस्मत की इलामत हैं, यानी कि अच्छी किस्मत वो अपनी तरफ से हैंड ओवर करते हैं कि अब मेरी तरफ से ये नेक तमन्ना है या ख्वाहिश है कि आप आगे क्या करें, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, आपकी अच्छी किस्मत हो. फूड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यू ईयर सेलिब्रेशंस. फूड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खुराक बहुत अहम होती है टू न्यू ईयर सेलिब्रेशन, नए साल की तकरीबात में. नए साल की तकरीबात में खुराक भी बहुत अहमियत रखती है या खाना. फैमिलीज एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर फॉर लार्ज फीस्ट. द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड लार्ज फीस्ट, अंडरलाइन इट एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग विल बी बैंक्वेट. बैंक्वेट यानी कि शाही ज़ियाफ़त. सो फैमिलीज एंड फ्रेंड्स गेट टुगेदर फॉर लार्ज फीस्ट, ख़ानदान वाले और दोस्त शाही ज़ियाफ़त के लिए इकट्ठे होते हैं. गेट टुगेदर का मतलब मिल जाना, इकट्ठा होना. The foods served at these feasts vary, but what is served is always a tradition for that family. Feast तो मतलब यही हमारे पास शाही ज़ियाफ़त या दावत हो गया. Then underline the word vary. ये हमारे पास बहुत वाला vary नहीं है बल्कि V-A-R-Y vary. It means change, यानी के मुख्तलिफ, different. The foods served at these feasts. इन दावतों में जो खाना पेश किया जाता है, serve means पेश करना. इन दावतों में जो खाना पेश किया जाता है वेरी मुख्तलिफ होता है. इन दावतों में जो खाना पेश किया जाता है वो मुख्तलिफ होता है. बट वट इज़ सर्व्ड इज ऑलवेज अ ट्रेडिशन फॉर दैट फैमिली. लेकिन जो भी पेश किया जाता है वो इस खानदान की रिवायत होता है. जो भी पेश किया जाता है वो इस खानदान की रिवायत होता है. आई थिंक सो इट्स एनफ फॉर टूडे. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द मेन पॉइंट्स ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट वट वी हैव लर्न टूडे. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट होम्स आर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड पेपर डेकोरेशंस. Means to say, in a Chinese New Year's, the Chinese decorated their homes with flowers and paper decorations. The second point is that the very popular colors among Chinese is red and gold. So here anyone can ask a question that what are the important colors or the popular colors among Chinese. So you will have to answer that red and gold are the popular colors among Chinese. Third point, red represents power and happiness or vitality, you can say. Next point is gold represents wealth and good fortune. Gold represents wealth and good fortune. The fifth point we have learned today is that important tradition of the Chinese New Year is exchanging gifts. Means to say that they give and take gifts from the different persons, from their family members and from their relatives too. Sixth point is that the traditional gift about whom we were talking before a few minutes ago, that basically have small, these are basically small red envelopes containing money. Means to say that money is filled in these red small envelopes. Seventh point is that these small red envelopes which are filled with lucky money are given to the children. Eighth point is that red color bring good fortune. Means to say that they give these red small envelopes. What's the reason behind that? Because they thought that red color always brings good fortune. Ninth point is that food is very important to the Chinese New Year's celebrations. Means to say that food is playing very an important role for the Chinese New Year's celebration. And last but not the least point is that they get together for large, sorry, feast. That's not beast, feast. They get together, the Chinese get together for large feast. Means to say, I'm not translating it for you in Urdu because I have already translated the whole chapter, the whole today's lecture in Urdu. So now moving towards your homework. Your homework is to write the new words, their English meanings and their Urdu meanings on your books and on your neat copies too. I'm again pronouncing these difficult words which we have learned today. We started from that point and the first difficult word is activities. I'm zooming on that word so that you will won't mistake activities. Actions, yani ke sargarmiya. Next word is symbolize. Symbolize mean represent, yani ke numaindagi. Next word is beginnings or begin, yani ke start, aghaz. Next word is decorated. Decorated, adorn, adorn, yani ke sajaya ya sajana. Next word is prosperity. The English meaning of the word prosperity is success,
खुशहाली. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्गेविटी. लॉन्गेविटी मीन्स लॉन्ग लाइफ. लॉन्गेविटी लॉन्ग लाइफ, तवील उम्री. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलर. पॉपुलर मीन्स वेल लाइक्ड. वेल लाइक्ड, हर दिल अजीज. नेक्स्ट वर्ड इज वाइटेलिटी. वाइटेलिटी, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइटेलिटी इज एनर्जी, यानी कि कुव्वत हयात. आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशन. ट्रेडिशन, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन इज कस्टम, यानी कि रिवायत. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज सिम्बलाइज. सिम्बलाइज मीन्स टू से रिप्रेजेंट, यानी कि इलामत. आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज फीस्ट. फीस्ट मीन्स टू से बैंक्विट. बैंक्विट यानी कि शाही ज़ियाफ़त. आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज वेरी. वेरी मीन्स टू से चेंज, यानी कि मुख्तलिफ. सो दैट इज़ योर होमवर्क. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ अ कन्फ्यूजन इन टुडेज़ लेक्चर, यू कैन आस्क फ्रॉम मी बिलो देयर इन कमेंट्स. एंड देन मोर ओवर यू विल हैव टू टेक अ पिक्चर ऑफ योर बुक्स टू, यानी कि आपको एक पिक्चर अपनी किताब की भी लेकर सेंड करनी है. जिस तरह मैंने बुक पर ये इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स मेंशन किए हुए हैं, आपको इसी तरह से बुक्स पर अपने इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं, ठीक है. और नीट कॉपीज पर भी इसी काम को लिखना है, और फिर पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है. और आपने आज से होमवर्क सबमिट करने शुरू कर देने हैं, सेकेंड टर्म का होमवर्क भी, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के सेकेंड टर्म का होमवर्क भी. और साथ ही अगस्त जो गुजरा है हमारे पास, इसका भी आपने क्या करना है, ऑनलाइन वर्क जमा करवाना है, ठीक है. सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.